नमस्कार दोस्तों, यूपी एपीओ 2011 के प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, कुल 150 प्रश्न आते हैं एपीओ में, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और शुरू के 50 प्रश्न जो हैं वो जीएस के रहते हैं और इन्हीं जीएस के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यूपी एपीओ में जीएस का रोल जो होता है वो जुडिशरी में जीएस से ज़्यादा गंभीर हो जाता है और मेजॉरिटी ऑफ एलिमिनेशन प्री में जीएस के कारण होता है, क्योंकि लॉ में सब्जेक्ट भी कम है और उसमें नेक टू नेक फाइट होती है, यानी 5 या 6 नंबर से ज़्यादा किसी में एवरेज अंतर नहीं आता है, और अगर उससे ज़्यादा अंतर आता है तो लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और प्रीवियस पेपर में रिपीटिशन बहुत होती है, इसलिए 2011 के जीएस को हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन कौन सा है। तो फिलहाल आपको 15th याद रखना है, तो 2011 का पेपर है, तो 15th हमारा एनके सिंह है, ठीक है ना। और हाल ही में 16th भी अपॉइंट कर दिया गया है, तो जो 16th है उसका 5-year पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से और वो बना है अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 15th एनके सिंह और 16th अरविंद पनगढ़िया। फोकल थीम क्या थी? देखिए, साइंस कांग्रेस जो है, इंडियन साइंस कांग्रेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा अपडेट रहिएगा जब भी एग्ज़ाम हो। कन्या विद्याधन योजना, यानी कि हमें कॉन्फ्रेंसेस भी याद रखनी है और स्कीम्स हमें स्टेट, यूपी स्टेट की विशेष कर देखनी है और सेंटर की स्कीम्स भी हमें देख के जाना है जो करंट का विषय होती है, ठीक है। अब देखिए, मलाला यूसुफ़ज़ई, ठीक है ना, तो मलाला यूसुफ़ज़ई कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। आपको पता भी होगा, नोबेल भी मिला था इनको और सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइस जॉइंटली, तो ये भी अच्छी चीज़ है याद रखना है। और गुल मकई इन्हीं के ऊपर बनी थी, तो पाकिस्तान की है, ठीक है। यूएनओ ने ईयर कौन सा डिक्लेयर किया है? देखिए, जैसे कैमलिट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स है, ये हाल ही का है, तो ये हमें 23 और 24, अगर मान लीजिए 24 में पेपर होता है तो हमें 23 और 24 दोनों दिख के जाने रहेंगे, तो इसे भी हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है, करंट का विषय है। अब आइए स्टैटिक पोर्शन पे, कह रहा है रेड कलर टोमेटो में किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन, टमाटर का जो रेड कलर होता है वो ऑप्शन बी लाइकोपीन के कारण होता है। अगला देखिए, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, तो विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में, किसको घोलने में योगदान देता है? तो आयरन को। अब पूछ लेता है कि फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो याद रखिएगा डेका, यानी DEKA जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसे भी हमें याद रखना है। कैट का फुल फॉर्म पूछा है, देखिए कैट का फुल फॉर्म तो कॉमन एडमिशन टेस्ट भी होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है ये हमें देखना है। तो कैट का यहाँ पर जैसे सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन का क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, तो टोमोग्राफी यानी कि टोपो में मत कन्फ्यूज कर, देखिए यहाँ दोनों जगह टोपो दे दिया है लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पर टोमो लिखा था, तो टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन जब होता है तो सीटी स्कैन में क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और जब कैट हो जाएगा तो कंप्यूटर CRT, तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी रहेंगे, ये हमारा XCL हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी ऑप्शन ए हो जाएगा। और टोपोग्राफी क्या होती है? तो टोपोग्राफी आप जान रहे होंगे किसी जगह की फिजिकल करेक्टरिस्टिक हो जाती है, ठीक है ना, किसी मतलब लैंड, रिवर, माउंटेन्स, ये सब मिला के किसी क्षेत्र की विशेष जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं उनको हम टोपोग्राफी कहते हैं, हालांकि कैट में टोमोग्राफी होता है, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब देखिए, केमिकल कंपाउंड क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर में? कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन 2। अगला देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या, कैसा प्रोसेस है? तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो 10th का हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति मैक्सिमम होती है ठोस में, सॉलिड में, इसमें कौन सी जेनेटिक डिजीज़ है? तो कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है हमारा वो जेनेटिक डिजीज़ है। अब देखिए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया या हीमोफीलिया हो गया, ठीक है ना,
या फिर हमारा जो डाउन सिंड्रोम हो गया, तो ये सारे ही जेनेटिक डिजीज हैं। एसी को डीसी में कौन बदलता है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। देखिएगा, ये हमेशा रेक्टिफायर होगा, और बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़न में ट्रांसफार्मर कर देते हैं, तो ट्रांसफार्मर नहीं होगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी सर्किट सिस्टम में ही संबंधित है, मतलब उसका डीसी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो एसी वोल्टेज होता है उसी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी, ठीक है ना, तो रेक्टिफायर इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पन साइट धोलावीरा किसने एक्सकेवेट की थी? अब यहाँ पर याद रखिए, क्या पूछ रहा है? धोलावीरा के बारे में। अब आपके यहाँ पे दो नाम है, आर एस बिष्ट, तो ठीक है ना, और बीपी लाल। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आर एस बिष्ट आपको याद होगा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा में दो चीज़ें बहुत पूछता है। एक हड़प्पा, तो वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, किस नदी किनारे है, तो रावी में, और ये पंजाब में है, पाकिस्तान में, अगर हड़प्पा पूछे तब। लेकिन हड़प्पन साइड धोलावीरा कहाँ पे है? तो ये धोलावीरा हमारी हो जाएगी लूनी नदी, लूनी नदी यानी कि राजस्थान का रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो धोलावीरा हमारा लूनी नदी राजस्थान में है, और आर एस बिष्ट ने, इसके अलावा इन्होंने धोलावीरा नदी, माफ़ कीजिएगा, लूनी नदी ये राजस्थानी गुजरात हो जाएगा, ठीक है, कच्छ कच्छ ज़िले में है ये, तो यहाँ पर गुजरात के कच्छ ज़िले वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे है। अब देखिए, इसके अलावा इन्होंने धोलावीरा के अलावा बनमाली, जो रंगोई नदी हरियाणा में है, हिसार ज़िले में, वो भी, हालांकि पूछता लूनी नदी के बारे में ही है। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम बेबी लाल इसलिए है क्योंकि जो अयोध्या वाला डिस्प्यूट था 1976 में, इन्होंने ही उस साइट को, मेन जो एक्सकेवेटर थे, जो मेन पुरातत्ववेत्ता थे, वो बीबी लाल ही थे। और के मोहम्मद, जो इस समय से बहुत फेमस हो गए हैं राम मंदिर के पास से, वो इन्हीं के लीडरशिप में एक स्टूडेंट के रूप में उसमें थे, एक सदस्य थे। तो बीबी लाल का नाम वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और काली बंगन, ठीक है ना, देखिए लाल है ना, तो लाल से काली याद कर लीजिएगा, काली बंगन बहुत इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। तो कालीबंगन का भी एक्सकेवेशन जो है इन्होंने किया था। कालीबंगन हमारा राजस्थान में है, नदी बोले तो घग्गर नदी है, ठीक है ना, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आर एस बिष्ट हो जाएगा, क्योंकि आर एस बिष्ट का नाम बनमाली और धोलावीरा दोनों के लिए फेमस है, दोनों के ही वे मेन खोजने वाले थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द डिस्पैच ऑफ रिलीजियस मिशनरीज टू 5 यवन किंगडम, 5 यवन राजाओं के लिए धम्म, मतलब जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, अधिकारी, उन्होंने किसने भेजे थे, तो इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो जो धर्म प्रचारक भेजे गए थे, देखिए रॉ क्रेडिट आप कोई भी भूल जाइए, लेकिन 1, 2 और 13 ये तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं, ठीक है ना। तो रॉक एडिक्ट जो 3 है उसमें राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाना चाहिए, विजिट करनी चाहिए, क्षेत्र को देखना चाहिए, और धार्मिक नियमों का उल्लेख है 3 में। जो हमारा 7वां और 8वां है, ठीक है ना, 8वीं से 7वां भी, तो इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है जो अशोक ने अपने समय में की थी। तो 7-8 उसकी तीर्थ यात्राएँ हैं, 3 में जो है हर 5वें वर्ष जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको विजिट भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, और साथ ही साथ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। 7 और 8 में धार्मिक यात्राओं का उल्लेख है। 10वां इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 10वें में जो है वो अशोक ये आदेश देता है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 13वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? 13वें में हमारा कलिंग युद्ध भी है, पूछता कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ है, फिर पूछता है अशोक के हृदय परिवर्तन, यानी कलिंग के बाद ही हुआ था, तो हृदय परिवर्तन का कहाँ उल्लेख है, तो वो भी यहीं पर है। और जो प्रश्न पूछ रहा है 5 यवन राजाओं का मिशन जो भेजे गए थे, तो उसका भी उल्लेख इसी 13वें में ही है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे, ठीक है। अब देखिए, पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं भूलना है, वो भी बहुत बार पूछता है। जो फर्स्ट रॉक एडिक्ट है उसमें जो है एनिमल सेक्रीफाइस की बात की गई है, उसकी निंदा की गई है, यानी पशु बलि की निंदा की गई है पहले में,
ठीक है ना। पशु बलि गलत चीज़ है ये बताया गया है। दूसरा जो हमारा है, दूसरा रॉक एडिक्ट जो है उसमें कहा गया है उपचार यानी कि इलाज की बात की गई है। तो ह्यूमन और एनिमल दोनों की बात की गई है उपचार के लिए, ह्यूमन और एनिमल दोनों के उपचार की बात सेकंड रॉक एडिक्ट में की गई है। 16वां प्रश्न देखिए, बुद्ध जो सेक्रेट बुद्धिस्ट प्लेस है रिवर निरंजा किनारे वो कौन सा है। अब देखिए 16वां, एक हमने लाइन बहुत पढ़ी है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, ठीक है ना, निरंजना नदी जिसको फल्गु भी कहते हैं, उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाएं, वो जगह बोधगया। तो बोधगया आंसर है, लेकिन इस लाइन में देखिए कई चीज़ें हैं, कितने वर्ष की तपस्या तो 6 वर्ष, कितने वर्ष की आयु में 35 वर्ष की, दिन मतलब वो रात कौन सी थी तो वैशाख पूर्णिमा की रात थी, नदी निरंजना जिसको फल्गु कहते हैं, वृक्ष पीपल का था, ठीक है ना, जगह बोधगया हो गई और बुद्ध हो गए। अब देखिए इसी को जो है वंडर दैट इज़ इंडिया AL बौशम की किताब है, इसका हिंदी संस्करण अद्भुत भारत नाम से आता है। तो AL बौशम साहब यहाँ पे 6 वर्ष नहीं मानते, वो 49 दिन की तपस्या लिखते हैं, तो ये भी वेरी करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको 49 ऑप्शन में मिले और 6 वर्ष के आसपास ना मिले तो आप 49 को टिक कर सकते हैं क्योंकि इसका सोर्स बहुत ऑथेंटिक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो KM पणिक्कर की किताब है सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऑप्शन 3 मजूमदार को आप, एक बहुत फेमस किताब इनकी है द सिपॉय म्यूटनी, ठीक है ना, कौन सी, तो द सिपॉय, सिपाही जो म्यूटनी है ना यानी सैनिक विद्रोह, तो 1857 पे किताब लिखे थे। और पूछ लेता है कि किसने कहा था कि जो म्यूटनी है ये नीदर फर्स्ट, इसको असल में इसको वीर सावरकर ने, सावरकर ने कहा था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो मजूमदार साहब ने यहाँ पर कहा था कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ना ही पहला है ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, यानी तीनों नहीं है, ये क्या है, सिपॉय म्यूटनी है। तो इसी पर उन्होंने बुक लिखी थी सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857। तो ये पूछ लेता है, और सावरकर ने इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये भी पूछता है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। फिलहाल सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के ऑथर हैं KM पणिक्कर। ये साइट्स कहाँ पर हैं हमें ये बताना है। तो मांदा हमारी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, दाइमाबाद हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, कालीबंगन हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में राजस्थान है, राखीगढ़ी हरियाणा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हो जाएगा 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन A। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल लीडर हु बिकेम प्रेसिडेंट यानी स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। दिए ये इसका आंसर विट्ठल भाई पटेल है, और ये वल्लभ भाई पटेल के जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे उनके एल्डर ब्रदर थे, ठीक है ना, तो ये बड़े भाई थे किसके, वल्लभ भाई पटेल के। तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर चुने गए थे, ये बहुत उत्तर हो जाएगा इसका। इसमें से 1875 में इंडिया लीग किसने स्थापित की थी, तो इंडिया लीग की जो बात आएगी उसका आंसर हो जाएगा बाबू शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन B 1875 में इंडिया लीग, बाबू शिशिर कुमार घोष। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द इनएक्टमेंट ऑफ विडो रिमैरिज एक्ट। विडो रिमैरिज एक्ट ये हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। तो विडो रिमैरिज एक्ट कब का है, देखिए 1856। इन ये मतलब जिसे कहते ना समाज सेवा केवल की नहीं उसे निभाया भी और खुद पर लागू भी किया, ये उन महान समाज सेवियों में से आते हैं। क्योंकि देखिए जो विडो रिमैरिज एक्ट है वो लीगलाइज हो गया था, ड्राफ्ट इसका डलहौजी ने बनाया था, पास एक कैनिंग के समय हुआ था, 1857 का रिवोल्ट होने से जस्ट पहले की बात है ये। लेकिन प्रयास इसके पीछे था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और खाली प्रयास नहीं किया, इन्होंने अपने जीवन में भी उतारा था। पहली विधवा महिला इस एक्ट के पास होने के बाद जिस पहली महिला विधवा का विवाह होता है
वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही पत्नी बनती हैं, यानी उन्होंने खुद पहला विवाह जो किया वो किसी विधवा से किया, ठीक है ना। 7 दिसंबर 1856 को खुद उन्होंने विवाह किया था। कड़ी सुरक्षा थी, जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ था, क्योंकि रूढ़िवादी समाज इसको धर्म में हस्तक्षेप के रूप में ले रहा था, क्योंकि उसमें विधवा का विवाह नहीं हो सकता था। हाँ, विधवा पुरुष विवाह कर सकता था, लेकिन विधवा महिला विवाह नहीं कर सकती थी। इसके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। राजा राम मोहन राय की बात आप जान रहे होंगे, एबोलिशन ऑफ सती। तो सती भी पूछता है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन इसमें भी एफर्ट किसका था, तो राजा राम मोहन राय का था। फिलहाल हमें आंसर पे ध्यान देना है, तो विडो रीमैरिज एक्ट 1857, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। डेक्कन सभा के फाउंडर कौन थे? अब देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये डेक्कन सभा वाला, क्योंकि डेक्कन सभा 1895 में स्थापित की गई थी गोखले के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गोखले का नाम नहीं है, जो एमजी राणा डे है उनका नाम नहीं है गोखले का, इसलिए राणा डे जगह, क्योंकि राणा डे जो है वो गोखले के गुरु भी थे, मेंटर भी थे, और इनके क्या बोलते गाइडेंस में किया गया था, बट फाउंडेड बाय गोखले। अगर गोखले ऑप्शन है तो आप गोखले को ही मारेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, डेक्कन सभा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एमजी राणा डे, क्योंकि उनके गुरु थे और उनके गाइडेंस में, उनके दिशा निर्देश में किया गया था। और गोखले इसके पहले सचिव भी बने थे, पहला अध्यक्ष एक बार पूछा है, UPPCS ने पूछा है, अन्य कहीं नहीं पूछा गया है। तो VM भिड़े थे इसके, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग अर्ज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। इसका आंसर भी गोखले हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। हु वॉज फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, दादा भाई नेहरू जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, ठीक है ना। 24 का हमारा दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा। 25वां देखिए, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में विलियम बेंटिक के टाइम पे ये तो कह दिया था कि भाई जो सारी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है सोर्सेस, हम हर शिक्षा का माध्यम ये सब इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश में ही काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक टर्म दिया है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी लॉर्ड मैकाले दिखाएगा, लेकिन मैंने कई जगह पे इस सोर्स में वो डिस्पैच को देखा है 1854 के, तो अभी भी मैं आपको स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता, हालांकि मुझे लग रहा है 1854 इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं वो डिस्पैच मानूंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर लिखा है, लेकिन आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी नज़र में वो डिस्पैच सही होना चाहिए और उसका आंसर सर चार्ल्स वुड होना चाहिए। स्वराज पार्टी फाउंडेड बाई, तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास मोतीलाल नेहरू, 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, और चितरंजन दास, CR दास भी यहाँ पर नाम रहेगा, 1 जनवरी 1923। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो धर्मपाल स्थापना किया था। जैन काउंसिल मेड अ फाइनल कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड रिड्यूस्ड देम इन राइटिंग इन द 5th-6th, तो ये हुई थी वल्लभी में, 28 का 3 हो जाएगा। रूलर ऑफ विच फॉलोइंग डायनेस्टीज इशूड कॉइन्स मेड ऑफ लेड, तो देखिए लेड कॉइन्स जो हैं 7 वाहन हैं, और इन्होंने केवल लेड के कॉइन नहीं चलाए थे, कॉपर, सिल्वर, लेड और पुटिन के भी कॉइन चलाए थे, ठीक है ना। यानी और गोल्ड ऑप्शन में, तो गोल्ड को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, 7 वाहनों ने गोल्ड के कॉइन नहीं चलाए थे, याद रखिएगा, सोने का सिक्का 7 वाहनों ने नहीं चलाया था, कॉपर, सिल्वर, लेड, पुटिन के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। अब ये मैच करना है, देखिए बेल्जियम का तो ब्रसेल्स हो जाएगा, रोमानिया बुखारेस्ट, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, अगर रियो ऑप्शन में दे दो तो कई लोग रियो मार देंगे, मुझे ये भी लगता है, तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, कॉन्गो की ब्राज़ाविले है, ब्रसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर भी है जिसे नाटो भी कहते हैं, तो नाटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी इसका आंसर यही है, यानी कि 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4 and 2 ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो इसका आंसर जॉर्जिया हो जाएगा। देखिए मैप से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मैप की रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और आर्मेनिया अज़रबैजान में देखिए वॉर भी चल रही है नगारनो कोरोबा को लेकर के इस समय, तो वो भी मैप में तो इसको दिखना ही चाहिए आपको, लैंड लॉक्ड है। लाओस हमें पता ही, लाओस तो एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री है ही, तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कौन सा भू आबद्ध देश है, तो लाओस इसका आंसर कई बार आए, तो रिपीटेड में भी आप देख लेंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द लॉन्गेस्ट टनल रोड, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट टनल रोड और रोड टनल ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड नॉर्वे, इसका आंसर अभी भी है 25 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका नाम लॉन्गेस्ट जो टनल रोड है इसका नाम है लेडल रोड। तो लेडल रोड टनल जो है 25 किलोमीटर लंबी है, वो है सबसे लंबी। देखिए रोड टनल बोला है, कई बार होता है रोड टनल अलग हो जाएगा, रेलवे टनल अलग हो जाएगा, अंडर सी टनल अलग हो जाती है, तो रोड टनल की कैटेगरी में नॉर्वे पहले नंबर पे, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम विद इन द ग्रुप ऑफ बालकन्स, तो बालकन कंट्रीज के में जो 10 देश हैं वो याद रखने चाहिए। देखिए अल्बानिया है बालकन में, और ऑप्शन में आपके हर्गोविना, बोस्नी हर्गोविना नहीं दिया है, ठीक है ना। कोसोवो है, मोंटेनेग्रो है, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया है, तो ये सारे देश हैं, तो इसका आंसर हमें देख लेना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा, हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, देखिए पिछली सेंसस से हमें यहाँ मतलब तो है नहीं, यहाँ टोटल पॉपुलेशन कंट्री वाइज हमें बताना था। अब देखिए टॉप 5 में 2 तो इंडिया चाइना दिया ही नहीं है, इंडिया चाइना की बात छोड़ दी, यूएस भी नहीं दिया, यानी कि टॉप 3 हमें नहीं दिया है, तो इसके अलावा हमें 4, 5 से शुरू करना है। तो अगर हम करेंट में जाएं तो 4th नंबर पे हमारा इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद हमारा नाइजीरिया है, फिर ब्राज़ील है, तो ऑर्डर चेंज हो गया है। इंडोनेशिया पहले पे है, पाकिस्तान दूसरे पे है, नाइजीरिया हमारा जो है वो 6th नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान के बाद, ठीक है ना, यानी 3rd यहाँ पे हो जाएगा, और ब्राज़ील हमारा 4th हो जाएगा, यानी कि 4th ये है। फिर से मैं बता दूँ, अगर ऑर्डर में ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में इंडोनेशिया हमारा 4th है, पाकिस्तान हमारा 5th है, नाइजीरिया हमारा 6th और ब्राज़ील 7th है। तो ये चेंज होते रहते हैं, इसको आप अपडेट देखते रहिएगा। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, चाइना तब भी था, चाइना अभी भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, तो नर्मदा रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा बनाती हैं। 79th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किससे संबंधित है? तो देखिए 79th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एक्ट ऑफ 1999 का है, और ये रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा, लोकसभा में रिजर्वेशन संबंधित है SC ST के। स्टेट असेंबलीज भी दिया है, इसको फोकस कर लीजिएगा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा दोनों में 79th अमेंडमेंट जो है। गवर्नर ऑफ स्टेट डज नॉट अपॉइंट, गवर्नर ऑफ स्टेट किसे अपॉइंट नहीं करते? देखिए हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो हमने 217 पढ़ा है उसमें साफ साफ लिखा है कि इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, इसमें राज्य के राज्यपाल और CJI का परामर्श लेता है। तो डज नॉट अपॉइंट, तो ये हो जाएगा जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर हो गया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में याद रखिएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर को अपॉइंट तो करता है लेकिन हटाता नहीं है, हटाएगा राष्ट्रपति, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टेट भले लिखा है लेकिन अपॉइंट डज नॉट अपॉइंट, तो अपॉइंट तो कर रहा है ये लेकिन हटा नहीं सकता है। 91st अमेंडमेंट एक्ट आ गया हमारा, तो 91st अमेंडमेंट एक्ट हमारा 2003 का था, एक्ट ऑफ 2003, जिसमें क्या कहा गया, नंबर ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल कितनी हो सकती है, तो 15% का जो रूल था वो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ना 40 का 2, तो उसे हमें याद रखना है। उसमें कहा गया कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है।
नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15%. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 280 में है, उससे भी हमें ध्यान रखना है. अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात आएगी तो यहाँ केवल दो ही लोग लिमिट हो जाएंगे, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है ना. इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली कोई रोल नहीं रहेगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो प्रेसिडेंट में भी नहीं रहते, ये तीनों हमारे प्रेसिडेंट में रहते हैं, ठीक है ना. याद रखिएगा प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत ट्रिकी हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 और 2. ऊपर राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं. विच व्हाट इज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 7th शेड्यूल. 7th नहीं, 8th शेड्यूल होगा, तो मिस प्रिंट है, तो 8th शेड्यूल की बात कर रहा है आफ्टर 92nd अमेंडमेंट. तो 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, 94 और 92nd दोनों जो हैं 2003 में. अब इसके बाद इसमें 4 लैंग्वेजेस जोड़ दी गई थी, ठीक है ना, 18 ऑलरेडी थी. इसमें बोडो जोड़ी गई थी, डोगरी, डोगरी जो कश्मीर की भाषा है, मैथिली अपने मिथिलांचल की भाषा जो है बिहार रीजन में, और संथाली, ठीक है ना. तो इन चारों को जोड़ दिया गया था और ये 18 से 22 हो गई थी. ऑप्शन सी हो जाएगा. लोकसभा सेक्रेटेरिएट ये किसके अंडर में आता है, डायरेक्ट सुपरविज़न का किसमें रहता है, तो लोकसभा स्पीकर का इसमें डायरेक्ट सुपरविज़न रहता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, तो इसे भी हमें ध्यान देना है. ऑप्शन 4. टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हाँ, तो ये कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए 46th क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन 30th चेस. तो ग्रैंड मास्टर चेस में कौन है, सारे नाम हम ही देखने हैं, अभी तो लाइन से कई बन गए हैं, अब तो 70 क्रॉस कर गए हैं, तो 30th ही पूछ रहा है, तो ये भी हमें देखना है कि करेंट का टॉपिक है. राजीव गांधी नेशनल सद्भावना करेंट का टॉपिक है, अभी रिलेवेंट है, इसको अपडेट कर लीजिएगा. ज्ञानपीठ जितना इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा रहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, देखिए साहित्य अकादमी भी पूछ दिया नीचे, तो ये भी हम करंट में अपडेट कर लेंगे. एलिस मुनरो द विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. देखिए एलिस मुनरो कनाडा की हैं, बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और कभी भी न्यूज़ में बन सकती हैं, क्योंकि इनकी एज 92 हो गई है और अभी भी ज़िंदा हैं, तो भविष्य में इनको अगर आती हैं तो शायद एज डिमाइज ही करनी आएंगी, ठीक है ना, या फिर कोई अभी चूँकि एक्टिव हैं अभी भी लिखती हैं, तो हो सकता है चीज़ों में बनी रहे न्यूज़ में. फिलहाल एलिस मुनरो कनाडा की हैं, और ये करंट का प्रश्न था क्योंकि उस समय नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था इनको. धन्यवाद, शुभकामनाएं. अगली वीडियो में हम 100 GS के प्रश्नों के साथ मिलेंगे. आप मेहनत करें, आप सफल हों.